हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट ईयर पेपर्स जिसमें से हम इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे ऑफ बीएचयू ब्लैट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लैट 2016 से। यहाँ पे जो तीन क्वेश्चंस नेक्स्ट दिए गए हैं उनके अंदर से हमें गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बट सेकेंड वाले में बिल्कुल गलत है क्योंकि डिपेंडेंस जो है उसके अंदर डी के बाद ई आता है, ए नहीं आता। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंट्रेंस और एंटरटेन जो है उन दोनों की स्पेलिंग्स भी करेक्ट है, सिर्फ सेकेंड की ही गलत है। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है परसीव, रिसीव, कंसीव एंड बिलीव। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू के जो तीनों ही वर्ड्स हैं वो फोर्थ से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन जब इनकी स्पेलिंग्स की हम बात करते हैं तो जो शुरू के तीनों हैं उसके अंदर ई पहले आता है, आई बाद में आता है, जबकि बिलीव के अंदर आई पहले आएगा और ई बाद में आता है। सो यहाँ पे फोर्थ जो वर्ड है वो गलत है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है डेलीरियस, डेल्यूसिव, हेफ्टी एंड हीनियस। यहाँ पे बाकी सब जितने भी वर्ड्स हैं उन सब की बिल्कुल करेक्ट है स्पेलिंग, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन जो है वहां पे गलत स्पेलिंग है क्योंकि ये हीनियस नहीं होता है, ये होता है हीनस क्राइम्स, यानी कि कुछ ऐसा बहुत बुरा करना, बहुत बुरा क्राइम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इडियम या फ्रेज दी गई है उसका हमें मतलब बताना है। तो फोर्थ के अंदर हमें दिया गया है कि हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। अब इडियम्स के अंदर आपको कंपैरिजन करना होता है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है अगर कोई स्नेक ग्रास के अंदर छुपा हुआ होगा तो वो आपको एकदम से देखने पर दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो छुपा हुआ है। सो इसी तरह से ये जो ट्रस्टेड फ्रेंड है वो भी एक तरह से छुपा हुआ सांप था जो उसके लिए एक एनिमी प्रूव हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसका एनिमी है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जहां लिखा है अ हिडन एनिमी, क्योंकि इस इडियम का यही मतलब होता है। अनरिलायबल पर्सन नहीं हो सकता क्योंकि अनरिलायबल पर्सन के केस में हमें पता होता है कि वो इंसान भरोसेमंद नहीं है, लेकिन हिडन एनिमी के केस में हमें नहीं पता होता कि वो हमारा एनिमी है, ठीक है। लो एंड मीन, कोवर्डली एंड ब्रूटल, इन सब केसेस में हमें पता होता है कि ये इंसान ऐसा है, लेकिन अ स्नेक इन द ग्रास वो इंसान है जो कि हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए बुरा है या वो हमारा एनिमी है, लेकिन एक्चुअली में वो हमारा एनिमी होता है, ठीक है। फिफ्थ है आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर के अंदर मैं तुमसे अग्री नहीं करता या मैं तुमसे आर्ग्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे क्लोज जो इसका ऑप्शन है आर्ग्यू करने का वो है एंग्री होना। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड्स ऑफ डीलिंग विद पीपल। होल एंड कॉर्नर जो है, जनरली होल्स कॉर्नर्स जो होते हैं वो बहुत छुपे हुए होते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, तो उसका आप कनेक्शन बिठा सकते हो विद सीक्रेट स्टफ, है ना। तो यहाँ पर भी सीक्रेट मेथड है ऑफ डीलिंग विद पीपल जो उसे पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सस्पिशियस भी लिखा हुआ है, सस्पिशियस नहीं हो सकता क्योंकि सस्पिशियस तब होता है जब आप उसको देख पाए। अगर कोई चीज सीक्रेटिव है, कोई चीज छुपी हुई है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे तो आपको सस्पिशन कैसे होगा उस पर, ठीक है। सर्वाइल और स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकता है इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे सीक्रेटिव मेथड की बात हो रही है ना। टू बी इन ड्रिप्स एंड ड्रैब्स, यानी कि थोड़ा बहुत देते रहना, ठीक है, कभी देना कभी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में देना। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ड्रिप्स एंड ड्रैब्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज और गिविंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। टू पिक होल्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई कपड़ा लेते हैं या कुछ भी इस तरह का देखते हैं उसमें अगर आपको होल्स दिख जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, होल्स ढूंढ रहे हैं, मतलब आप उस कपड़े के अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। उसी तरह से अगर आप लोगों के अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं या किसी चीज के अंदर, किसी इवेंट के अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं तो वहां पर भी आप इडियम का इस्तेमाल करते हैं टू पिक होल्स, यानी कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की फॉल्ट बता रहे हैं। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। इसके अलावा अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस, एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, यानी कि किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी लॉजिकल रीजन के लिए कोई अपनी जान दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि अ पेट्रियट है ना। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जरूरी नहीं है अगर कोई देशभक्त हो
तो वो अपनी जान दे। मैं भी देशभक्त हूँ लेकिन मैं अपनी जान नहीं दे रही हूँ अपने देश के लिए, ठीक है, तो पेट्रियट नहीं हो सकता। सेकेंड है मार्टियर। मार्टियर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मार्टियर का मतलब है कि आप शहीद हो गए हैं देश के लिए, ठीक है, तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी जान फॉर अ कॉज, इसलिए मार्टियर सही होना चाहिए। सोल्जर सैनिक भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सब शहीद नहीं होते, सो थर्ड भी गलत होगा। रेवोल्यूशनरी भी नहीं हो सकता। रेवोल्यूशनरी वो इंसान होता है जो नॉर्मल कोई भी चीज चल रही है उसके अगेंस्ट कुछ रेवोल्यूशन करता है, कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है, तो यहाँ भी वो अपनी जान नहीं दे रहा है। स्पेसिफिकली जान यहाँ पे मार्टियर देने वाला है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज में कुछ गलत ही होता हुआ दिखता है ना, तो वो इंसान होता है एक पेसिमिस्ट, क्योंकि आप जानते हैं पेसिमिस्ट वो इंसान होता है जिसके अंदर कोई होप नहीं बाकी होती, वो सोचता है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, आगे भी बुरा ही होने वाला है, जबकि ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो ये सोचता है कि शायद आगे कुछ अच्छा होगा, वो होप करता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम ग्लटन कहते हैं, ठीक है, ये आपको कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। ओमनिवोर आप जानते हैं, ऐसा जानवर होता है जो कि वेजिटेरियन भी खा सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी खा सकता है, सो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। सेंशुअलिस्ट यानी कि जो सेंशुअल चीजें करता है जो किसी को एक्साइट कर सके, तो ये भी गलत होगा। रिवेलर यानी कि वो इंसान जो एंजॉय कर रहा हो अपनी ग्लोरी को, अपनी सक्सेस को, किसी भी चीज को एंजॉय कर रहा हो, सो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स, यानी कि यहाँ पे हम किसी होली चीज के बारे में, किसी रिलीजियस चीज के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब यही होता है कि आप किसी रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोल रहे हैं, या आप किसी सेक्रेड या होली चीज के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लास्फेमी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बट ब्लास्फेमी ही करेक्ट होगा, बिकॉज हेरेसी जो है उसका मतलब होता है कि आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है वो वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ से बहुत अलग है, यानी कि अगर आपकी कंट्री में 99% लोग जो है वो एक तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप उन 1% में जो उस रिलीजन को फॉलो नहीं करते, आपकी बिलीफ कुछ और है, ठीक है, तो हेरेसी नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग भी कुछ तो बिलीव करते ही हैं, तो ये दूसरों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। एथीज्म जो है उसके अंदर आप किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, आप सिंपली ये कहते हो कि कोई भगवान नहीं होता, आप भगवान में नहीं मानते, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है एपोस्टेसी। ये वो लोग थे जो कि पहले कभी क्रिश्चियनिटी में मानते थे लेकिन अब वो क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, यानी कि वो नहीं मान रहे क्रिश्चियनिटी को, बट वो उसके बारे में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कह रहे, सो अगेन फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। थर्टींथ है किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, यानी कि भाई को मार देना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस में सुसाइड, आप जानते हैं कि अगर आप खुद अपनी जान लेते हैं तो उसे सुसाइड कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैट्रिसाइड यानी कि मेजरली आप अपनी मदर का मर्डर कर रहे हैं, तो वो भी गलत होगा क्योंकि यहाँ ब्रदर की बात हो रही है। फ्रैट्रिसाइड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप ये देखिए, फ्रेटर्निटी एक वर्ड होगा, आपने सुना होगा, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, तो वहां से ही ये चीज आई है फ्रैट्रिसाइड, यानी कि अपने ही ब्रदर को मार देना, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जेनोसाइड के अंदर आप कई सारे लोगों का मर्डर करते हैं, यानी कि बहुत सारे मर्डर्स किए आपने, तो वो भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ डेक्सटेरिटी। अब डेक्सट्रस वो इंसान होता है जिसकी जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं, जो अपने हाथों से, जनरली ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं या फिर एक हाथ से लिखते हुए दूसरे हाथ से पेंट कर सकते हैं, तो ये होता है डेक्सटेरिटी, आप अपनी स्किल्स शो कर रहे हो, और जनरली ये स्किल्स जो होती हैं ये हाथों से कुछ काम करने की होती है, सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बिकॉज इट मीन्स स्किल। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन द वर्ड टेमेरिटी, तो यहाँ पे टेमेरिटी का मतलब जो है वो होता है एक्सेसिवली आप किसी चीज के लिए बोल्डनेस शो कर रहे हो, ठीक है, आपके कोई फिल्टर्स नहीं है, है ना, आपको जो बोलना है आपके दिमाग में जो आता है वो आप बोल देते हो या कर देते हो, सो यहाँ पे टेमेरिटी तो नहीं हो सकता, डिजास्टर्स डिसेंट वगैरह नहीं हो सकता, बिकॉज डेक्सटेरिटी के अंदर आप ये कह रहे हैं कि कोई इंसान स्किल्ड है ना, तो वो डिजास्टर्स तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा और डिसेंट भी नहीं होगा। डिसेंट यानी कि कोई टिपिकल इंसान है, नॉर्मल इंसान जिसके अंदर नॉर्मल चीजें हैं, है ना, वो स्किल्ड नहीं है, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे नियरेस्ट सिनोनिम बताना है इम्प्लोर्ड का, ठीक है,
तो इम्प्लोर्ड का जनरली मतलब ये होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा बेग कर रहे हैं कि प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। तो यहाँ पे इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड अर्नेस्टली। ठीक है, आप किसी से बेग कर रहे हैं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो। ठीक है, चूज द नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ इंसिनुएट। अब इंसिनुएट का मतलब ये होता है कि आप किसी को भड़का रहे हो। ठीक है, आप किसी को ये बोल रहे हो कि आप ऐसा करके आ जाओ, भले इनडायरेक्टली बोलते हो आप ऐसा, लेकिन उससे लोग भड़क जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो आप जनरली एक तरह से उन्हें एक तरीका बता रहे हो कि आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने आपके साथ ऐसा किया तो आपको इस तरह से प्रोटेस्ट करनी चाहिए, लेकिन आप इनडायरेक्टली बता रहे हो, आप उनको भड़का रहे हो। सो फर्स्ट है सिनफुल, तो यहाँ पे हमने कोई पाप नहीं किया है, इंसिनुएट करना कोई पाप नहीं होता है। सेकेंड है पियर्स, यानी किसी को किसी नुकीली चीज से चुभा देना, ठीक है, तो वो भी गलत है। पेरिलस यानी कि डेंजरस, तो इंसिनुएट का मतलब डेंजरस भी नहीं होता। सजेस्ट, ये बात करेक्ट होगी, क्योंकि ये जो इंसान आपको इंसिनुएट कर रहा है या भड़का रहा है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये थॉट जो है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, ये थॉट उसने आपके दिमाग में डाला है जो आपको भड़का रहा है। ठीक है, चूज द नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ इंट्रेपिड। अब यहाँ पे इंट्रेपिड का मतलब वो होता है, वो इंसान जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता, सो ऑब्वियसली वो ब्रेव होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुडविंक का हमें सिनोनिम बताना है। हुडविंक का जनरली ये मतलब होता है कि आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं या किसी को आप धोखा दे रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट इसके लिए जो सिनोनिम है वो डिसीव होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब भी ये होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। पैसिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि पैसिफाई का मतलब ये होता है कि आप किसी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं, ये बात अलग है। और हुडविंक का मतलब ये है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। अचीव भी नहीं हो सकता है इसका आंसर, सो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नियरेस्ट एंटोनिम बताना है हमें अब इंडिक्ट का। ठीक है, इंडिक्ट का ऑपोजिट, इंडिक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि भाई इसने कोई क्राइम किया है। ठीक है, और वहीं पे इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है एक्सोनरेट, यानी कि आप किसी को कह रहे हैं, केस चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं इसने ये क्राइम नहीं किया है। ठीक है, तो आप उसको एक्यूजेशन से फ्री कर रहे हैं। सो एक्सोनरेट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है ये वर्ड, तो आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्रॉस एग्जामिन अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस एग्जामिन करने का मतलब ये है कि आपको अक्यूजेशन से फ्री नहीं किया गया है, आप अभी भी अक्यूज हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना यानी कि रिप्लाई करना, वो भी इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। प्रिवेल करना यानी कि कोई चीज चलती रहना, जैसे पहले थी वैसे अभी भी चल रही है, तो वो चीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिक्ट का हमें ऑपोजिट बताना है, और इंडिक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नियरेस्ट एंटोनिम बताना है किंगली का। रॉयल कोई है, बहुत किंगली है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? लोली, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब है मैग्निफिसेंट, रॉयल, एब्सर्ड। अब रॉयल और मैग्निफिसेंट जो है वो तब सही होते जब यहाँ पे हमें सिनोनिम पूछा जाता, क्योंकि किंगली का मतलब होता है रॉयल, और एब्सर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सर्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत वियर्ड है, कुछ बहुत अजीब है, तो यहाँ पे इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 देखते हैं, एंटोनिम बताना है हमें इलन का। अब इलन का जो मतलब है वो ये होता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत एंथुजियास्टिक हो किसी चीज को लेके। ठीक है, और वहीं पे हमें इसका ऑपोजिट बताना है। तो फर्स्ट है ब्रैशनेस, यानी कि आप बहुत टफ इंसान हो, बहुत ज्यादा रूड हो, तो वो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। डिग्निटी भी नहीं होगा। कंपोजर यानी कि आप बहुत कंपोज्ड हो, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो वो भी नहीं हो सकता। नर्वसनेस बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एलन का मतलब आप बहुत एनर्जेटिक हो, बोल्ड हो, एंथुजियास्टिक हो, आप कोई भी चीज कर सकते हो, लेकिन नर्वसनेस के अंदर आपको डर लगता है, आप नहीं कर पाते हो वो चीज। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब एंटोनिम बताना है हमें मैकैब्र का। तो यहाँ पे मैकैब्र का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत अनप्लेजेंट है, कोई चीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, या आपकी उससे डर रहे हैं, है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली लवली हो सकता है ना। मैकैब्र का क्योंकि सिनोनिम होता है अगली, और एक्स्ट्रा वेगेंट उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है कि आप बढ़ चढ़ के किसी चीज में आप पैसा लगा रहे हैं या फिर अपना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लाविश लाइफ स्टाइल है आपकी। ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। अनहोली भी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि होलीनेस की बात हो। मैकैब्र जो है उसका मतलब सेक्रेड नहीं होता, होली नहीं होता।
अब यहाँ पे एंटोनिम बताना है प्रैग्मेटिज्म का, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये है कि आप बहुत प्रैक्टिकली किसी चीज को सोच रहे हैं, ठीक है, जैसा वो रियल लाइफ में होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट है आइडियलिज्म, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आइडियलिज्म का मतलब है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे, आप उसको आइडियली सोच रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता उस तरह से आप उसे सोच रहे हैं, तो यही हमारा एंटोनिम होना चाहिए। फेवरेटिज्म यानी कि आप किसी एक को, एक की तरफ बायस्ड हो, आप उसी को चांसेस दे रहे हो, दूसरों को नहीं दे रहे, सो फेवरेटिज्म इससे रिलेटेड नहीं है। अपॉर्चुनिज्म भी नहीं है इससे रिलेटेड, यानी कि वो इंसान जो कि हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है। यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि आप हर चीज की यूटिलिटी को देख रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिकल होना ही होता है एक तरह से, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द सेशन, होप यू एंजॉयड इट। Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about it. Jai Hind.